मध्य प्रदेश के एक ऐसे प्राचीन स्थान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज हम इसके जुड़े कुछ खास पहलू के बारे में आपको बताएंगे। दरअसल यह स्थान विदिशा जिले के सिरोन से करीब 15 किलोमीटर दूर देवपुर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल त्यौहार पर एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस स्थान का वर्णन वेद पुराणों में भी है। वहीं लोगों का कहना है कि यहाँ जल अभिषेक कर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह जरूर पूरी होती है। जब हमारी टीम ने इस स्थान की जांच पड़ताल की तो कई खास पहलू यहाँ देखने को मिले, जिसमें बताया जाता है कि इस स्थान पर कई गुफाएं हैं जो यहाँ से दूसरे शहरों में निकलती है। वहीं इस स्थान पर एक कुंड है जिसमें लोग स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। बताया जाता है कि मेले के आयोजन के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ कड़े इंतजाम किए जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ करीब 25 समाज के मंदिर स्थापित हैं और हर मंदिर में एक समिति गठित की गई है। मंदिर समिति की देखभाल और मंदिर की सुरक्षा करती है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आपका विनय सिंह यादव, क्या है मंदिर की आप? मैं इस द्वारकाधीश मंदिर का अध्यक्ष हूँ। 2007 से अभी तक 14 साल से पूर्णकालिक समय इस मंदिर में दे रहा हूँ। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से ये मंदिर 3 मंजिल 3 बीघा में बना हुआ है। तो यहाँ साधु सेवा है, रुकने ठहरने की फ्री व्यवस्था है, भोजन पानी की फ्री व्यवस्था है। सैकड़ों श्रद्धालु अनेकों जिलों से पूरे मध्य प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं। अध्यक्ष साहब ये बताएं, ये यहाँ पे कब कब मेला लगता है? यहाँ पे मकर संक्रांति, कार्तिक की पूर्णिमा, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और जितनी भी सोमवंतियाँ वर्ष में पड़ती हैं उन सोमवंतियों पे भी भरता, और सावन के महीने में भी बहुत भारी मेला यहाँ। कितने श्रद्धालु यहाँ आते होंगे लगभग? अब ये तो लाखों की तादाद में आते हैं, बहुत भीड़ होती है, गिनना तो संभव नहीं है। प्रशासन की ओर से क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की जाती है? प्रशासन पुलिस व्यवस्था रहती है यहाँ पे बढ़िया। पुलिस व्यवस्था तो बहुत अच्छी रहती है, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी सेवाएं देता है। बाकी शासन स्तर पे, उच्च स्तर पे यहाँ पे निर्माण कार्य बहुत कम हो रहा है। पूर्व में पुरातत्व विभाग और पर्यावरण विभाग से कुछ काम हुए थे तो वो भी आधे अधूरे होके ही रह गए, ना जाने वो राशि कहाँ अटक गई, अभी तक यहाँ नहीं आई है। बोआ जाए तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि पर्यटन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? पर्यटन विभाग इस ओर थोड़ी ढील कर रहा है, ना जाने क्या बात है। ठीक जी, ये बताइए, यहाँ सुना है कुछ गुफाएं भी हैं? हाँ, यहाँ पे बहुत प्राचीन गुफाएं हैं। हाँ। जिस गुफाओं में भी ऐसा है, मतलब यहाँ पे सब लोग बताते हैं और ऐसा सबको ज्ञात है कि बहुत प्राचीन से यहाँ पे भगवान भोलेनाथ, जैसे बोलते हैं ना गंगा जी निकली है उनके सिर में जटाओं से, यहाँ पे ये गंगा जी कुंड में निकली है और पता नहीं कहाँ से इसका जल आता है। और दूर दूर से जो श्रद्धालु भक्त आते हैं वो यहाँ पे जरूर वो करते हैं स्नान, और ये कुंड का पानी से अभिषेक, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। और एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि यहाँ पे हमारे भारतवर्ष के श्रद्धालु रामेश्वर वगैरह जो जल चढ़ाने आते हैं, वो हाथ से जल चढ़ाने के बाद अवश्य यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन, बाबा विश्वनाथ के ये कुंड से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं इस कुंड से, जब भी उनके पूरे ये जल का जो महत्व होता है वो पूरा होता है। क्या नाम है आपका? अरविंद पालीवाल। यहाँ आप समिति के अध्यक्ष हो? जी। अध्यक्ष जी ये बताइए, यहाँ पे जो स्थान है ये कितना पुराना होगा लगभग? बाबा विश्वनाथ मंदिर का स्थान जो हमारे यहाँ है तो बहुत ही प्राचीन से प्राचीन, बहुत ही मतलब ये लगभग आप मतलब त्रेता युग के जमाने से यहाँ पे स्थान, तो हम लोगों की भी इतनी उम्र हो गई, हमें भी पता नहीं ये कब से है। ये बहुत ही वर्षों से, पूर्व वर्षों से यहाँ कितने कब कब मेला लगता है यहाँ पे अपने पूरे साल भर में? एक तो ये अपने मकर संक्रांति का मेन मेला होता है, बड़ा मेला, और एक कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा उसको भी बड़ा मेला होता है। बाकी के सावन के एक महीने पूरे यहाँ पे चलता है मेला, सूर्य ग्रहण जो ग्रहण पड़ते हैं मेला के सोमवंती को, अमावस्या को चलता है। मेला के समय कितने श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ रहती है? लाखों में हजार आते हैं। और प्रशासन की ओर से यहाँ क्या व्यवस्थाएं की जाती है? प्रशासन की ओर से यहाँ पे पुलिस बल का हमारा पूरा सहयोग मिलता है और राजस्व के भी हमारे कर्मचारी अधिकारी लगते हैं, और ये हमें पुलिस प्रशासन और राजस्व का सबका सहयोग मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।